हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ऐसे व्यूअर्स की काउंटिंग ऑलमोस्ट 60% है। तो गाइस प्लीज़, आप चैनल पर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। यही रिक्वेस्ट है बस मेरी आप सबसे, और बाकी सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हम आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यी बोझान को ये सच बता देता है कि वही असली मिसेस वांग है, जिसे सुनकर जान यीबो को बहुत सुनाता है और रोता है, जिसे चुप कराते हुए यीबो जान को संभालता है कि तभी ग्रैंड माँ का जान को कॉल आता है फई के लिए, पर वो ये कह देता है कि काम से वो लेट हो गया है और अब बस रास्ते में ही है। तुमने ग्रैंड माँ को क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ हो? यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके ये कहकर जान को ऐसे देखता है मानो जान ने कोई पाप कर दिया हो। मिस्टर वांग, आई थिंक आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अच्छे से जानते हैं। ये बस एक ट्रांजैक्शन है और ये अब कैसे ख़त्म होने वाली है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? जान यीबो को ये याद दिलाते हुए कहता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, तो चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में ये कैसे एंड होगा ये देखना मेरा काम है, तो मिसेस वांग को ये मुझ पर ही छोड़ देना चाहिए और ख़ुद को परेशान नहीं करना चाहिए। और हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी साफ लिखा है कि मिसेस वांग को मिस्टर वांग के साथ कोऑपरेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ओकेशंस जैसे कि कॉकटेल पार्टीज या फिर डिनर पर भी जाना होगा। ये वो जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ मेन पॉइंट्स को बताते हुए जान को कन्विंस करता है, और जान इस बात को नकार नहीं सकता था, इसलिए बात को पलटते हुए कहता है, अभी ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, मुझे फई को पिक करने जाना है वरना ग्रैंडमा नाराज़ हो जाएगी। ये कहते ही जान पलटकर वहां से जाने लगता है कि तभी चिल्लाकर ये वो कहता है, मैंने इस खाने का ऑलरेडी पे कर दिया है। जिस पर जान बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते हुए कहता है, मिस्टर वांग को इतने छोटे से अमाउंट के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जान को इस तरह जाते देख ये वो हंसने लगता है और अपना सिर हल्का सा शेक करके फाइनली जान के पीछे भागने लगता है, जो वहाँ से दूर जाए जा रहा था। ये वो फौरन आकर जान का हाथ पकड़कर उसे कहता है, चलो मेरे साथ, और ये कहकर उसे अपनी कार में बिठाकर एड्रेस पूछता है जिसे वो खुद ड्राइव करने वाला था। जान जियांग के घर का एड्रेस बता देता है और जल्द ही यीबो जीपीएस को फॉलो करते हुए जान को जियांग के घर के बाहर ले आता है। जान कार से बाहर निकलकर यीबो को कार में ही वेट करने को कहता है, ये कहकर कि जियांग को अजनबी अपने घर में पसंद नहीं, पर सच तो ये था कि अगर जियांग जान को यीबो के साथ देख लेता तो सवाल कर करके उसका जीना मुश्किल कर देता। जान की बात पर यीबो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, तो जान आराम से यीबो को वहीं कार में छोड़कर जियांग के घर चला जाता है, जिसका घर बैम्बू ट्रीज से घिरा हुआ था। जियांग और फई घर के बाहर खेल रहे थे जब वो जान को अपनी तरफ आता देखते हैं। फई भागकर जान के गोद में चढ़ जाती है और जान भी फई को प्यार से अपने गोद में लेकर कहता है, मॉम अब तुम्हें ग्रैंड माँ के पास घर लेके चलेंगे और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मॉम, मैंने अंकल जियांग के यहाँ बहुत मस्ती की और मुझे यहाँ बहुत मज़ा भी आया। फई, जो ये समझ रही थी कि जान खुद को ब्लेम कर रहा है, उसे कंफर्ट पहुँचाते हुए कहती है, लेकिन वो जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। क्या तुमने ग्रैंडमा से बात की? जियांग बॉल को अपने हाथों में लिए जान की तरफ आते हुए पूछता है। हाँ, मैंने उनसे बात की और ग्रैंडमा तो मुझे कल रात ही फई को घर लाने के लिए कह रही थी। जान अपनी ग्रैंडमा के प्रति ग्रेटफुल होते हुए ये कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे पेरेंट्स से ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करें तो मुझे किसी भी टाइम तुम कॉल कर देना। तुम्हारे इस बेस्ट फ्रेंड के पास बहुत जगह है तुम्हारे और फई के रहने के लिए। जियांग जान के पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए ये कहता है, जिस पर जान जियांग की बात को एक्नॉलेज करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तभी जियांग नैनी को बोलकर फई का ऑलरेडी पैक्ड पांडा लगेज लाने को कहता है, और लगेज के आते ही जान को बाहर तक छोड़ने के लिए जाने लगता है, तो जान उसे ये कहकर रोक देता है कि वो खुद चला जाएगा, जियांग को बाहर तक आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस सिंपल स्पोर्ट्स वेयर में था उसमें उसे देखकर बाहर लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन असलियत में तो जान जियांग को यीबो से मिलने से रोक रहा था।
जान की बात को मानकर जियांग जान से कहता है, ठीक है तो मैं आंटी को बोल देता हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ आएंगी। जिस पर जान उसे फिर से मना करने वाला ही था कि एक मैग्नेटिक वॉइस सुनाई देती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगा। ये आवाज यीबो की थी। जियांग आवाज की डायरेक्शन में देखता है तो उसे अपने सामने एक टॉल और हैंडसम पर्सनालिटी दिखती है। यीबो को अपने सामने देखकर जान का दिल कांपने लगा था, क्योंकि वो जिस चीज से डर रहा था वो बस अभी उसके सामने हो गया था। हैंडसम अंकल, यीबो को देखकर फई की आंखें चमक उठती है और वो जान की गोद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, और जान उसे नीचे उतारते ही वो एक हैप्पी स्माइल के साथ भागकर यीबो के गोद में उछलकर चढ़ जाती है और अपने हाथों को हमेशा की तरह ही यीबो के नेक के अराउंड लपेटकर पूछती है, हैंडसम अंकल आप यहाँ कैसे? यीबो एक हाथ से फई को गोद में थामे दूसरे हाथ से उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये कहकर यीबो फई से बातें करने लगता है। वहीं जियांग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके यीबो की तरफ देखते हुए ही जान के शोल्डर पर एक हाथ रखकर उसके कान के करीब जाकर हैरानी से पूछता है, सीईओ वांग और तुम दोनों एक साथ कब हुए? जिसे सुनकर जान साइड फेस करके जियांग को खामोशी से अपनी बोहे सिकोड़े देखने लगता है, पर जियांग अभी सिर्फ यीबो और फई की तरफ देखते हुए जान से आगे पूछता है, फई और यीबो भी एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे हैं, तुम दोनों के बीच में अफेयर आखिर कितने समय से चल रहा है? तभी कुछ सोचते हुए जियांग आगे पूछना जारी रखता है, ये फई का फादर नहीं है राइट? बेशक जो कुछ भी जियांग ने सवाल पूछे वो उसकी अजम्पशन थी, पर फिर भी उन सवालों का असर जान के चेहरे पर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके दिल में चिंता बढ़े जा रही थी और उस वजह से जान के चेहरे पर पैनिकनेस दिखने लगी थी। तभी जियांग अपनी कोहनी से जान को मारते हुए कहता है, क्या तुम गूंगे हो गए हो? बताओ ना मैंने सही गेस किया है ना, फई और यीबो रियल में फादर एंड डॉटर है, और जान अगर ये सही में फई का बायोलॉजिकल फादर है तो तुम एक लकी बॉय हो, क्योंकि जब वक्त आएगा तो ये तुम्हारे लिए वो सब कर सकता है जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फाइनली ये लास्ट लाइन अपने शौक से बाहर आकर जियांग मुस्कुराकर बोलता है। तभी जान अपने पैनिक स्टेट से बाहर आकर जियांग की तरफ देखकर बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। दरअसल जान अभी तक ये बात ही एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि उसका मिस्टीरियस हस्बैंड जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी वो यीबो है, और उसके ऊपर से ये सच अपनाना और कहना कि वो यीबो ही है जो फई का बायोलॉजिकल फादर है जान के लिए नामुमकिन था। तभी जान खुद पर मन ही मन हंसने लगता है ये सोचकर कि चीज़ें आगे जाकर और बुरी हो सकती है। तभी ये सब सोचते हुए वो जियांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो दोनों फादर एंड डॉटर हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो मेरे जैसी दिखती है? जिस पर जियांग यीबो और फई की तरफ अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, तुम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते, बल्कि ये कहना सही होगा कि फई दिखने में तुम्हारी जैसी है पर उसका कैरेक्टर बिल्कुल यीबो जैसा है। मेरा मतलब फई का गुस्सा, उसकी पर्सनालिटी, यहाँ तक के उसके सारे एक्शंस भी बिल्कुल यीबो जैसे हैं। ये सुनकर जान खामोश रहते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए ये ऑब्जर्व करता है कि फई का हंसना, जिस तरह से वो बात करती है और जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाती है वो सच में बिल्कुल यीबो जैसा करती है। तभी बात को बीच में काटते हुए ही जान कहता है, अब मैं चलता हूँ, ग्रैंडमा हमारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर जियांग भी जान को जाने देता है। यीबो फई को कार की बैक सीट पर बहुत प्यार से बैठाता है और सामान जान के हाथ से लेकर कार में रख देता है। फिर जान के फई के साथ बैठते ही यीबो कार ड्राइव करने लगता है। तभी फई इनोसेंट टोन में कहती है, हैंडसम अंकल आप मेरे लिए कितने काइंड हो, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, पर हमारे एज में बहुत डिफरेंस है, तो शायद आपके पेरेंट्स हमें साथ न रहने दें और वो हमें जरूर अलग कर देंगे। यीबो का फई के लिए प्यार और उसकी केयर करना फई के दिल को छू गया था, जिस वजह से उसने अपने फेवरेट किम थेयोंग को भी भुला दिया था, क्योंकि अब वो सिर्फ हर वक्त यीबो को मिस करती थी। वही फई की बातें सुनकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो समझ नहीं पा रहा था कि फई की बातों पर वो हंसे या रोए, क्योंकि फई यीबो की खुद की बेटी उसी से शादी की बात कर रही है। कि तभी फई के इन वियर्ड ख्यालों को खत्म करने के इरादे से जान कहता है, फई
अंकल ऑलरेडी मैरिड है और तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम अंकल के लिए सुइटेबल नहीं हो। जिसे सुनकर फई एक डिसअपॉइंटेड लुक से पाउट बनाते हुए अपने इनोसेंट आईज के साथ कहती है, सच ही तो है कि हैंडसम अंकल ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अब हम शायद अपनी नेक्स्ट लाइफ में ही साथ रह सकते हैं। जिसे सुनकर रियर व्यू मिरर से फई को देखते हुए ये वो कहता है, अगली लाइफ तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी लाइफ में एक साथ रह सकते हैं, पर एज अ रिलेटिव्स। ये वो की इस बात पर जान की सांसें थम जाती है और वो रियर व्यू मिरर में जब यीबो की तरफ देखता है तो उसकी नज़रें यीबो की गहरी आंखों से मिल जाती है जो मिरर के थ्रू उसे ही उस वक्त देख रहा था। तो जान यीबो की आंखों में देखते हुए ही सोचने लगता है कि क्या यीबो फई को बताने वाला है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, क्योंकि जान ये नहीं चाहता था कि फई ये सब कुछ जाने और वो ये भी नहीं चाहता था कि फई यीबो पर और ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि जान डरता था कि कहीं एक दिन फई के बर्थ का सच बाहर आ गया तो क्या होगा, कहीं फई को एक क्रूअल चॉइस ना करनी पड़ जाए उन दोनों के बीच। और जान इसी बात से ज्यादा डरने लगा था कि कहीं अगर फई यीबो को ज्यादा पसंद करने लग गई और उसके करीब हो गई तो वो अपने मॉम पर गिव अप करके यीबो को ना चुन ले। जान जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही वो डरने लग रहा था, इसलिए जान अपनी नजरों से यीबो को रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि वो फई को कुछ ना कहे। तभी यीबो जान की नजरों से अपनी नजरें हटाकर आगे रास्ते पर देखते हुए फई से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि यीबो उसका रिलेटिव बन जाए, क्योंकि इस तरह वो साथ रह पाएंगे और कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर फई एक्साइटेड होकर कहती है, अभी तक मैं और मॉम ही फैमिली है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हैंडसम अंकल मेरे फादर बन जाए। दरअसल फई यीबो में अपना फादर देखती थी और यही वजह थी कि वो यीबो को प्यार करने लगी थी। तभी फई जान की नजरों को खुद पर महसूस करती है तो वो जान की तरफ मुड़कर कहती है, मॉम मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे डैड की जगह रिप्लेस करे, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, पर मुझे हैंडसम अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता है और अगर वो हमारे साथ होंगे तो मुझे आपकी ज्यादा फिक्र नहीं होगी। मुझे लगता है कि हैंडसम अंकल वो एंजल है जिसे डैड ने ही हमारे लिए भेजा है। फई की इन इनोसेंट बातों की वजह से जान की आंखें नम होने लगती है और वो सोचता है कि फई का फादर यही उसके सामने है, पर वो सच नहीं बता सकता। क्या वो फई के साथ गलत कर रहा है जो अपने फादर के प्यार के लिए तरस रही है। फई दरअसल अंकल वोंग, जान कुछ कहना शुरू करता ही है कि तभी यीबो जान की बात को काटते हुए कहता है, फई सच तो ये है कि तुम्हारे मॉम ऑलरेडी इस बात पर अग्री हो गए हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। यीबो ने जान को इसलिए रोक दिया था क्योंकि वो इस वक्त जान की हालत समझ पा रहा था कि वो आज सच जानकर कितना परेशान है और कहीं इसी परेशानी में फई का दिल ना दुखा दे। यीबो की बात सुनकर फई जान से ये बात सच है या नहीं जानने के लिए खुशी से पूछती है, पर जान फई को कोई भी झूठी होप ना देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काइंड हो, इसलिए मॉम उम्मीद करते हैं कि तुम मुझे इस बारे में ठीक से सोचने के लिए थोड़ा टाइम दोगी, और वैसे भी ये हम बड़ों के बीच की बात है तो हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस करके तुम्हें हमारा डिसीजन बताएंगे, ठीक है। जिस पर फई जान की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिला देती है और जान की बाहों में आ जाती है और जान भी फई को अपनी बाहों में पकड़कर प्यार से उसे देखता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर ऐसे स्माइल करते हैं मानो वो एक दूसरे की हर बात समझ गए हों, और यही उन दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और ये सीन जैसे ही यीबो अपनी कार के बैक सीट पर रियर व्यू मिरर से देखता है, अचानक उसे दिल में एक वार्म्थ फील होने लगती है और उसे ये देख बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद एक हैप्पी फैमिली चाहता था, एक लविंग डॉटर, एक जेंटल वाइफ। यीबो जिसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैरिज करना उसका गोल बन जाएगा, वो इस वक्त सच में ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी ये इच्छा अभी पूरी हो जाए। वहीं शियाओ मेंशन पहुँच कर यीबो जान और फई को घर के अंदर तक छोड़ना चाहता था, पर जान उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि उसका और यीबो का रिलेशन किसी के भी सामने आ जाए जो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। यही सोचकर यीबो को मना करके वो फई और उसका लगेज लेकर शियाओ मेंशन के अंदर जाने के लिए मुड़ जाता है, पर फई
जाते हुए यीबो को अपनी उदास आंखों से मुड़कर देखती रहती है, जो उदास अपनी कार के पास खड़ा था कि तभी एक मर्सिडीज बेंज वहां आकर यीबो के कार के पास रुकती है और अपनी कार का विंडो नीचे करके जियानमिन हैरान होते हुए कहता है, सीईओ वांग आप? जियानमिन को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है कि सीईओ वांग उसके घर के बाहर है, पर जब उसे यकीन होता है कि वो सच में सीईओ वांग ही है, वो फौरन कार से बाहर आकर यीबो की तरफ आता है। तभी यीबो भी जियानमिन को देखकर कहता है, हेलो सीईओ शियाओ। जियानमिन यीबो से ठीक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसके पास खड़ा होकर खुशी से हंसते हुए कहता है, सीईओ वांग यहाँ कैसे? इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि आज सुबह ही मैंने मेगा पाई बर्ड की आवाज़ सुनी थी, तभी लग गया था कि कोई खास इंसान हमारे घर आने वाला है और देखो आप यहाँ हो। जियानमिन की बात सुनकर यीबो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सीईओ शियाओ बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, क्योंकि इस एरिया में तो मेगा पाई बर्ड है ही नहीं। सही कहा ना मैंने? पर शायद सीईओ शियाओ के घर में उन्होंने मेगा पाई बर्ड रखा होगा, जिसे देखने के लिए अब मैं सच में क्यूरियस हो रहा हूँ। ये सुनकर जियानमिन शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो कभी भी मेगा पाई बर्ड था ही नहीं। कि तभी जियानमिन की नजर जान पर पड़ती है, जिसने एक बच्ची को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसे देख जियानमिन अपनी बोहे सिकोड़े जान को पुकारता है, जान। जियानमिन को अपना नाम पुकारते सुन जान पलट कर पीछे देखता है तो अपने डैड को यीबो के पास खड़ा पाता है और दूर से ही उनसे पूछता है, डैड क्या बात है? तभी जियानमिन फाई की तरफ देखते हुए पूछता है, ये बच्ची कहाँ से आई? क्योंकि उसे शक हो रहा था कि शायद ये बच्चा वही है जिसे जान ने 5 साल पहले जन्म दिया था। डैड ये मेरी बेटी है, जान फ्रेंकली ये बात बता देता है। तभी फई भी जियानमिन को स्माइल के साथ ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो ग्रैंडपा, मैं शियाओ फई हूँ, आपकी लवली एंड ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर। जिसे सुनकर जियानमिन को यकीन हो जाता है कि ये वही बच्ची है जिसकी वजह से शियाओ फैमिली ने बहुत ह्यूमिलिएशन झेला था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बच्ची अब इतनी बड़ी हो गई है और कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट है। पर अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये क्यूट कैसे लग सकती है? ये सब सोचते हुए जियानमिन फई से कहता है, कौन तुम्हारा ग्रैंडफादर है यहाँ? किसी के भी सामने मुझे इस तरह से बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जियानमिन की बात से फई थोड़ा उदास हो जाती है, ये सोचकर कि शायद उसके ग्रैंडफादर को वो पसंद नहीं आई, इसलिए जियानमिन की तरफ अपना फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हुए फई कहती है, ग्रैंडपा मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। तभी जान भी बोल पड़ता है, ये अभी एक बच्ची है डैड, आप इतना इस बात को लेकर इशू क्यों बना रहे हैं? इसी बीच जियानमिन की ये सब बातें सुनकर यीबो की आंखें गुस्से से डार्क होने लग गई थी, जिसे जियानमिन ने नोटिस नहीं किया था। और वो जान को बस जवाब देने ही वाला था कि तभी यीबो जियानमिन को बीच में ही रोकते हुए कहता है, सीईओ शियाओ, फई सच में एक अच्छी बच्ची है और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत क्यूट और क्लेवर है। यीबो की ये सब बात सुनकर जियानमिन हैरान आंखों से यीबो की तरफ देखता है और यीबो के कोल्ड एक्सप्रेशंस को अपने लिए देखकर जियानमिन कांप जाता है और फौरन हंसते हुए कहता है, अच्छा सच में? तो अगर सीईओ वांग को बच्चे इतने ही पसंद है तो उन्हें अब मिसेस वांग से अपना एक बेबी कर लेना चाहिए। जिसे सुनकर यीबो जान की तरफ गहरी आंखों से देखते हुए कहता है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। वहीं जान जैसे ही यीबो की नज़रों को खुद पर देखता है, उसके कान लाल हो जाते हैं। जान यीबो और अपने डैड से जितनी दूरी पर था, वहाँ से वो उन दोनों को बहुत अच्छे से सुन सकता था। कि तभी जियानमिन क्यूरियस होते हुए पूछता है, मैं सोच रहा था कि मिसेस वांग किस फैमिली से बिलोंग करती होंगी। ये सुनते ही जान के चेहरे का रंग पिंक हो जाता है और घबराहट में वो यीबो को देखते हुए अपने आंखों से इशारा करते हुए यीबो को ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इस बारे में कुछ ना कहे। वही यीबो सच में अपना रिलेशन जान के साथ क्या है वो जियानमिन को बता देना चाहता था, ताकि वो जान और फई को, जो अब यीबो से बिलोंग करते हैं, उन्हें बुली ना कर सके, चाहे वो जान का फादर ही क्यों ना हो। पर यीबो जैसे ही जान की परेशानी उसकी आंखों में नोटिस करता है, सच को ना बताने का फैसला करके सिर्फ इतना कहता है,
कि उसका वाइफ भी चोंगचिंग से है, क्योंकि वो जानता था कि जान चोंगचिंग में ही पैदा हुआ था और वही पला बड़ा था। तब तो आप चोंगचिंग सिटी के सन इन लॉ हुए, तो क्या इस बार मिस्टर वोंग यहाँ मिसिस वोंग को लेकर आए हैं? जियान मिन खुश होते हुए ये पूछता है। नहीं, वो तो पहले ही यहाँ आ चुका है, मैं तो बस यहाँ उसका साथ देने आया हूँ। यीबो की ऐसी बातें सुनकर जान हंसना चाहता था, क्योंकि उसने यीबो की ये क्यूट साइड पहले नहीं देखी थी, पर वो अपनी हंसी रोके बस यीबो को सुनता रहा। वहीं जियान मिन भी यीबो की बात को सुनकर जान की तरफ देखकर पूछता है, तो आप यहाँ क्यों आए और आप दोनों कैसे मिले? मुझे मिस्टर श्याओ फई के साथ रास्ते में मिले थे, तो मैं उन्हें यहाँ छोड़ने आ गया। आई होप सीईओ श्याओ को ये बुरा नहीं लगा होगा, ठीक कहा ना? यीबो अपने काम टोन में ये कहता है, मुझे तो इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए, मैं इसके लिए बुरा क्यों मानूंगा? जियान मिन यीबो के सामने सॉफ्ट टोन में कहता है, सीईओ श्याओ, अगर आप मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हैं, तो आप मुझे एक कप चाय के लिए अंदर इनवाइट क्यों नहीं कर लेते? यीबो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए श्याओ मेंशन के अंदर जाने के लिए खुद को ही इनवाइट करवा लेता है, और यीबो को मना करने की हिम्मत ना करते हुए जियान मिन यीबो को पूरे रिस्पेक्ट से अपने घर इनवाइट करता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ा पसंद आया होगा। तो आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ा या ज़्यादा पसंद आया, वो सब आप मुझे अपने कॉमेंट्स के थ्रू बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स देना प्लीज़ मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।